जो धूप था बड़े कड़ी कड़क धूप था, जब धूप थी उसमें जब बेहस हो करके गिर पड़े, इतने में कृष्णा बलराम जी इधर आ जाओ, कृष्णा बलराम वो स्वयं गिरिराज से निकले, निकल करके इनके सर को स्वयं कृष्णा अपना जंघे पर रख दिए और दाऊ भैया इनको ऊपर में अपना कपड़े से चादर से इनके ऊपर छाया की। जब इनका होश आया, बोले बाबा तू इतने क्यों परिश्रम कर रहे हो, जिंदगी भर तो गिरिराज गोवर्धन की तुमने परिक्रमा लगाई, अभी तो वृद्ध हो गए हो, अभी थोड़ा वृंदावन में रहो, वहीं पर भजन करो। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो साधन है ना, साधन में भी बड़ा आनंद है। जैसे आप लोग कहां पर आए हो, जयपुर में आए, आनंद ले रहे हो, घूम रहे हो, दर्शन कर रहे हो, प्रसाद पा रहे हो, कहते भक्ति की साधन में भी बड़ा आनंद है और सिद्धि में भी तो आनंद है ही। इसलिए बोले नहीं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, बोले जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं ये परिक्रमा नहीं छोड़ सकता हूं, जो कुछ हो जाए। इतने में कृष्ण ने कहा ठीक है, तुमको एक में गिरिराज शिला प्रदान करता हूं। कृष्णा बड़ी मीठी मीठी बंसुरी बजाए तो एकदम गिरिराज गोवर्धन एकदम पिघल गया तो कृष्णा एक गिरिराज शिला के ऊपर में अपना चरण का छाप रख दिए, गैया का खुर का छाप, अपना बंसुरी, और जिस गैया की हांकते है ना लठिया से, गैया चराए किसने कोई, इसलिए वो गैया की चरण किए जो लठिया के चिन्ह एक गिरिराज शिला के ऊपर रख करके, बोले सनातन तू इसको ले जा और वृंदावन में रख करके जब इसको तुम चार बार परिक्रमा लगाओ के तुम्हें गिरिराज शिला परिक्रमा करने का फल मिलेगा, गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करने का फल मिलेगा। इसलिए जो ओरिजिनल कृष्ण अपना हाथों से जो शिला उन्होंने प्रदान की थी, वो जो ओरिजिनल शिला है इसी मंदिर में ही है। लेकिन वैसे तो थोड़ा दर्शन कर लोगे, लेकिन खोल कर दर्शन नहीं करते, ये केवल एक बार पूर्णिमा में एक बार उस शिला के दर्शन होता है। और यहाँ पर जो ठाकुर जी को दर्शन करोगे, राधा दामोदर, क्या नाम है, इसलिए कहते दामोदर, दो दामोदर है, एक जसोदा दामोदर और एक राधा दामोदर। जसोदा दामोदर आप सब जानते हो, कृष्ण ने जब मक्खन चोरी की, भैया जसोदा उनको पकड़ ली, पकड़ करके बोले पहले तो दूसरे घर में मक्खन चोरी करता था, अभी अपना घर में चोरी करना शुरू कर दिया, फिर इतना नहीं मेरे सास का समय का जो मटकी कितने घी पी करके मजबूत हो गया था, पहले सिल्वर नहीं होता था और कोई दूसरे तरह का कोई बर्तन, स्टील का कोई बर्तन नहीं होता था, पहले होता था मिट्टी का पात्र, किसने मिट्टी का पात्र में उसको बनाया हो, कौन गुजरे, इसलिए उसमें बड़ा टेस्ट होता है मिट्टी का पात्र में बनाओ तो, भले कितने घी पी का करके मजबूत हो गया, तुम्हें तोड़ दी, आज तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं, तेरे को बांध करके रखूंगी। मैया ने अपना चोटी जो बांध करके रखी थी, जो एक रस्सी, उसको क्या रिबन बोलते ना, क्या बोलते हो, रिबन, उसको खोल करके, बोले कन्या का तो कमर बड़े पतली, बोले तू खल और ये उद्दू खल जानते कि नहीं, वो भी नहीं जानते हो, एक लकड़ी का होता है, लकड़ी का गड्ढा होता है, अब तो सब कुछ सब हो गया, जैसे ढीकी कहते हैं ना, उसको अंदर में डाल करके, और एक होता था ये लकड़ी का मुसल, उसमें मार मार करके, उसमें सारे दाल हो गेहूं हो उसी में ही सब के सब मार मार करके उसको आटा बनाया करते, सब कुछ उसमें बनता था। बोले तू खल और उद्दू खल, क्योंकि कृष्ण उद्दू खल को ऊपर खड़े होकर के मक्खन चोरी की, बोले तुम दोनों मिलकर के ये मक्खन चोरी की, आज मैं तुम दोनों को मैं बांधूंगी। लेकिन बांधने के लिए गए तो उसमें दो अंगुल कम पड़ गया, इतने में बोले और एक रस्सी ले आओ गोपिया, और एक रस्सी लाए, फिर गांठ बांध करके जो फिर बांधने के लिए गई, फिर उसमें दो अंगुल कम पड़ गया, बोले और एक रस्सी लाओ। गोपियों ने कहा जसोदे विधाता ने तेरे लाला की ललाट में बंधन नहीं लिखे, तू कैसे बांधोगी, बोले क्या बंधन नहीं लिखा, मेरे कोख से जन्म लिया, मैं नहीं बांध सकता, ले आओ रस्सी, जोश में आ गई, पूरा ब्रज के सारे रस्सी खत्म, लेकिन उसमें दो अंगुल किसी तरह से पूरी नहीं हो रहा है। मैया बोली क्या हो गया,
हाँ, कमर जैसे वैसे ही है, रस्सी बढ़ती जा रही है, कमल जैसे के तैसे, लेकिन ये बंधने में नहीं आ रही है। जब किसी तरह से बांध नहीं पाई, शरीर से पसीना पसीना बह रही थी, उनकी केस खुल गई, इतने में उन्होंने अपना जो गृह देवता जो नारायण है, इनकी चरण में शरणागत हो गई। बोले ठाकुर जी मेरे लाज तू बचा, सबेर से शाम हो गया यही लीला करते करते। जब उन्होंने शरणागत हो गई, फिर भगवान बोले माता परिश्रम दृष्टवा कृपया आसीत स्वबंधने, माँ की परिश्रम को देख करके भगवान को बांध नहीं पाई। भगवान कृपया आसीत स्वबंधने, भगवान बंधन को स्वीकार की, क्योंकि जिसका बाहर नहीं, जिसका भीतर नहीं, जो अनादि असीम है, उनको जगत में कौन उनको बांध सकते हैं। फिर भगवान कृपा करके बंधन को स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारे टीकाकारों ने उसमें बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी। बोले क्यों ये दो अंगुल क्यों कम पड़ता था, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, ये दो अंगुल क्यों कम पड़ता था। इसमें शिक्षा दिया, जो पहला अंगुल है, जब कोई साधक भगवान को पाने के लिए एकदम जी जान लगा दे, शरीर है मंत्र साधन की बात, शरीर पतन, भले ही हम शरीर छूट जाएगा, मर जाएगी, लेकिन जब तक ठाकुर जी का हम पा नहीं पाएंगे ना, उनको दर्शन नहीं कर पाएंगे, हम ये प्राण छोड़ देंगे, लेकिन भगवान को भक्ति नहीं छोड़ेंगे और साधन नहीं छोड़ेंगे। हैं, जब एक समय गुरु जी को किसी भक्त ने पूछा, गुरु जी गए थे दर्शन करने के लिए ध्रुव जिला में, वहां पर एक साधु दर्शन भजन कर रहा था जहां पर ध्रुव जी भजन किए। तो जब गुरु जी पहुंचे, वो साधु ने पूछा, बोले महाराज ध्रुव तो यहीं पर तपस्या करके 6 महीना में ठाकुर को प्राप्त किया, मेरा तो कितने कितने महीना हो गया, अभी भी ठाकुर दर्शन नहीं दे रहे। गुरु जी ने कहा देखो दर्शन तभी ठाकुर जी को मिलेगा, ऐसे साधन करेंगे प्राण जो होठ में आ जाएगी, मतलब तेरे दर्शन के बगैर हम प्राण छोड़ देंगे, अगर तू दर्शन नहीं दोगे तो। हैं, जब होठ में आ जाएगी ना तब जाकर के ठाकुर दर्शन देंगे। एक समय एक चेले ने गुरुदेव के पूछे, बोले गुरुदेव अभी भी क्यों दर्शन नहीं हो रहा है ठाकुर जी। बोले आओ कब दर्शन होगा तेरे को समझाता हूँ। उसको ले गए पानी में, बोले गुरुदेव आपको पूछा भगवान दर्शन कैसे होगे, पानी में क्यों ले आए। बोले चलो ना अभी तुमको दिखाता हूँ, और उसको गला पकड़ करके पानी में डुबो दी। कितने समय रह सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट, फिर तो उसने छटपट छटपट करने लग गया। गुरुदेव छोड़ नहीं रहे थे, गला पकड़ कर पानी में डूबो कर रखते, उसने देखा प्राण ही निकल जाएगा, प्राण ही निकलने वाले। इतने में गुरुदेव ऊपर उठा दिए, जब ऊपर उठा दिए मैंने गुरुदेव इसका मतलब क्या, मैंने बताया भगवान कैसे मिले कि पानी में डूबो दिया, अभी तो प्राण ही खत्म हो जाता मेरी। हम बोले देख बेटा जैसे प्राणी पानी में तू छटपटा रहा था ना, जैसे प्राण के लिए छटपट छटपट कर रहा था, ऐसे ही जब तुम्हारी प्राण भगवान को पाने के लिए छटपटाने लग जाए, हैं, छटपटाने लग जाए, कम ठाकुर जी मिलेंगे इतने। लेकिन हमारा छटपटा नहीं किया, हम तो खा रहे पी रहे मस्ती से घूम रहे, भगवान की कोई कितना माला करके पता नहीं, आज थोड़ी सी माला किया तो कल माला जहां के तहां लटक रह गया। शादी की बात हो पहले तैयार बैठते हैं, सिनेमा जाने के लिए कोई इधर पहले तैयार बैठेंगे, जब भजन की बात बताएंगे, हाँ भक्ति की माला की 1000 बहाना बना देते हैं, फिर भगवान हम कैसे मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर जो पहला अंगुल किया है, जब कोई साधक भगवान को पाने के लिए चेष्टा करे, हम टाइम से उठेंगे, ऐसे नहीं 1-2 बजे तक टीवी देखो, सवेर 9-10 बजे तक उठो, जल्दी जल्दी खाओ और ऑफिस चले गए, नहीं, टाइम से काम करेंगे, टाइम से सोएंगे, सवेरे सवेरे उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पहले तिलक लगाएंगे, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तिलक लगाना, क्योंकि बगैर तिलक के भगवान नहीं मिलेंगे, तिलक गोपियों की चरण धोली है, पहले तिलक लगाएंगे, ठाकुर जी का आरती करेंगे, बैठ करके तुलसी परिक्रमा करेंगे, थोड़ी कीर्तन करेंगे, थोड़ी कोई भक्ति का ग्रंथ पढ़ेंगे, अपना माला को ठीक से करेंगे, हैं, कुछ माला करके फिर खाना खाना, ऐसे नहीं उठे स्नान किया फटाफट बस खा पी कर चले गए, नहीं, सबसे पहले क्या करो, पहले अपना माला जप करो, क्योंकि इसी से ही जीवन में हमें सुख शांति इसी से ही मिलेगा, और यही धन ही हमारे साथ जाने वाले, दुनिया के कोई धन भी साथ में नहीं जाएगा, जितना कमाया कमाया,
आंख बंद किया था कि सुई धागा भी हमारी साथ जाने वाली नहीं। क्या बोलेंगे? राम ना सत्य है, गोपाल ना सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है, हैं? इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे? माला जप करेंगे सवेरे बैठी करके, ठीक है ना? कुछ माला जप करके फिर भोजन करके फिर हम अपना काम में जाएंगे, ठीक है? ये जो पहला अंगुल है कहती है साधक का साधन चेष्टा, और दूसरा अंगुल किया जब भगवान देखेंगे अरे दिन रात उसने एक कर दिया मेरे को पाने के लिए, फिर भगवान को रहा नहीं जाएगा, भगवान का हृदय पिघल जाएगा साधन को देख करके। ये दूसरे अंगुल ठाकुर जी की कृपा। जैसे एक बच्चा होता है ना, जैसे बा घर में काम करती है, बच्चा की नींद खुल गई, देखे भैया कहा, भैया तो है नहीं, उसको भूख लग रहा है दूध पीने की, बच्चा क्या करता है थोड़ा रोएगा, मैया सोची घर का काम जल्दी जल्दी करके बच्चे को दूध पिलाता है, जब बच्चा देखेगा मैया तभी रोया आया नहीं, बच्चा तो और थोड़ी से रोएगा, देखा तभी मैया नहीं आ रही, फिर बच्चा क्या करता जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, मैया क्या करती सारे काम को वहीं रख करके आकर के बच्चे को गोद में उठा लेती है। कहते उसी तरह जब भगवान के लिए हम रोएंगे, इसलिए हमारे श्री बामन गोस्वामी महाराज कहते थे गुरुदेव भगवान कैसे मिलेंगे, गुरु जी कहते थे रोना सीखो, क्या सीखो? रोना सीखो, जब तक हम रोएंगे नहीं तब तक ठाकुर जी को हम पाएंगे नहीं, जब रोएंगे ठाकुर जी को तब पाएंगे, ठीक है ना? इसलिए ये दो अंगुल है, इसलिए तब भगवान को फिर माता जी ने उखल में बांधन कर दी, उखल में बांध दी। इसलिए ये जो दामोदर है ये एक दामोदर है, लेकिन दामोदर दो दामोदर और एक है श्री, एक ये हो गया जसोदा दामोदर, फिर दूसरा हो गया राधा दामोदर। कहते राधा दामोदर क्यों नाम पड़ गया जीत जी?